सरस्वती की वंदना तदि पश्चात कथा की ओर। आ जा भगवान राम राधा जोहते मोर आके राम राधा जोहते मोर आके पत
प्रेमी बंधु छोटे से और गुरु के वंदना करने के बाद जैसे भी हमारे जो घोषक मल्ला देखते हो तीन तीन जन महोत्थोकन दुर्याल धरत तो थोड़ा गुरु के वंदना करके थोड़ा आगे भगवान कथाला बढ़ाए के प्रयास करो। कावर तुरे गांव के लेके हो पढ़े लिखे कम हम एकर कारण थोड़ा गुरु के वंदना कर लेता हूं। एकर बाद आगे प्रसंग कथा के बोल ले जाऊं। प्रेम से बोले राजा राम चंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल बजरंग बली की जय। श्री गुरु चरण सरोज रे जन जीवर मकुट सुधार परनाओ रघुबर विमल यसायो दायक फल चार तो बुद्धि न तनु जान के सुमरा पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देउ मोहि हरहु करे स्वीकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ की रामायण दयारम्भ सुने आए वो चतुर सुजान। सीतापति के चरण युग यस बंदी बैठ हनुमान। याज्ञवल्क ब्रज द्वाज प्रति काक भसुंड घगराज। शंकर भोला उमा प्रति तुलसी संत समाज। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। तो भैया प्रसंग बाल कांत से लेगे हाँ। मन प्रसंग कीते में हाँ बाल कांत ला चालू करे वर बेहा मांग दरे हाँ। तो रामचरित मानस बाल कांड एला कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है हाँ। जे काबर लिखे है और लिखे के बाद कहे कि ना मैं गुण कवि चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। जेला अभी बजरंग मानस मंडली कुम्हारी वाले भैया मन बड़ा सुंदर ढंग से हमार ग्राम पावन भूमि कन्हेरा में सुंदर रसपान करे से अवसर हमला इसे मिले कि हमला डोंगा में यहाँ भगवान धर्म मंच पर पहुंचे के ये प्राप्त हो। तो धन्य है कि जो गांव के जो बजरंग मानस परिवार एवं समस्त ग्रामवासी द्वारा यहाँ सुंदर धर्म मंच पर पहुंचे के अवसर पर तो भगवान भोलेनाथ थे तीन कैलाश पर्वत में अपन प्रिय पार्वती के वर्णन करी से हाँ। याज्ञवल्क मुनि है तीन भरद्वाज के प्रति कहरी से हाँ। काक भसुंड जी महाराज है तीन गरुड़ के प्रति कहरी से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में सुंदर संत महाराज की भीतर वर्णन करी से हाँ। तो आज बड़ा खुशी की बात है कि हमारे ग्राम कन्हेरा में तीन दिन के तीन दिवस है राज्य जो उस जो मारद गान अखंड महा उत्सव के पावन स्तर पर आज भगवान के कथा ला के बड़ा सौभाग्य मिली से है ना। तो उत्सव कई प्रकार से होते हैं। जब राज उत्सव में जाता था अतेक भीड़ रही थे लेकिन आज मानस गान के अखंड में तो ज्यादा जो माता बहनी मल्ला सुंदर सब ये भगवान कथा की सुने के तो यहाँ अखंड नहीं दिखा पूरा देखा था तो खंड खंड दिखा था। तो भगवान से विनय कर था कि भगवान के कथा ला कहे बर जाता और माता बहनी भाई बंधु से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आ करके जौन मानस गान अखंड उत्सव में सहयोग दे के प्रदान करो। और सबसे विनय हमार घोषक गुरु जी मन बैठे तेवर खर मन के बड़े भूमिका रहते कावर रहते कि जो मन चला बांधे के और सुनैया मल्ला बैठारे के सजाए के उखर मन के बड़े भूमिका रहते। तो जो घोषक जो बैठे गुरु जी ओकर चरणों में बारंबार प्रणाम है। बैठे हुए जो संतगण बुजुर्गण मातागण ये जो पावन धरती में शिव मानस मंडली की ओर से बहुत बहुत नमन है। आगे प्रसंग कथा की ओर चलत है कि रामचरित मानस और रामचरित मानस ला ऐसे सुनैये मन मन लगा सुनो तब जौन चरित ऐसे तो कावर रामचरित है तेन है जौन है मन के जौन जो चरित्र ला जतका भी जो अपन कर्म में करे रही थे ओखर
जौन पापला जरूर धोआ थे जेन प्रकार से कपड़ा उपड़ाला मिला जाते तब एक दिन ले दूसरे या टिपटी जाथन त नहीं पहिरन काजल धरथन। हां हां लेकिन तुहर गांव में बड़ा सौभाग्य के बात है जेमे रामगान अखंड महा उत्सव होत है। होत है ना। हां जेमे कतको जन दूर दराज के जो मानस मंडली जो रामायण अखंड धर्म मंच में डुबकी लगा करके नहा करके अपन भाग्य ला सहराना करके जाते जाते तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी के एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो किया तुलसी चर्चा राम के कटे कोठ अपराध तुम्हारा प्रेमी कावर दो घंटा सुनयत कम से कम तो एक घंटा सुन सकता अब कोम नहीं हो सके तो आधा घंटा सुन सकता अब कोम नहीं हो सके 15 मिनट तो कम से कम सुन सकता तो जरूर अपन जो कर्म के जो जैसे है जरूर है ना। एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोठ अपराध कतको हम अपराध करे रे वो तब भगवान तुलसी के जो जहाँ चर्चा होते आज हमार ग्राम कन्हेरा भर में नहीं कोनो जगह भी चर्चा होती जरूर मतलब 5 मिनट 10 मिनट जरूर हो जगह श्रवण करे के प्रयास करूँ जरूर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमर जो पाप लग कुछ न कुछ जरूर क्षमा करे। प्रेम से बोले राजा राम चंद्र की जय। तो धन्य धन्य यह गांव को धन्य धन्य यह ठाव धन्य धन्य जीव को लेवत राम के नाम। तो धन्य हमर जो ग्राम कन्हेरा में जौन माता बहनी जौन है हमर गांव के जौन जतेक भी मानस प्रेमी जौन सियाल मन गुरुजन मन पिता के तुल्य बैठे समान ये संत जन्म तो आओ छोटे भजन के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम कथा आगे ले प्रयास करूं कावर कि हमन मर प्रसंग जो है में निकाल रहे हैं कावर कि अभी कुम्हारी वाले भैया मन है भगवान के कथा ला सुंदर श्रवण करा के गी से तब मन है अपन धाम चल दी अपन घर द्वार चल दी है ना। तो सूर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो भैया आओ जते भी देवता के जो समूह रिथे झुंड रिथे कावर मानस के जो प्रेमी मन भी आगे पीछे झुंड के झुंड आवा थे है ना। ओ मन अपन जैसे भी बिनती करके और हमर जो मानस प्रेमी संत जन मल्ला सुंदर कथा श्रवण करवा के है ना अपन अपन धाम में पहुंचे हैं घर द्वार में चल दे हैं। अब एति हम वन बैठन तेना जग निवास जगत पिता जो परमात्मा भगवान राम से विनय करत है का ग्रथन कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो जग याले संसार में निवास करने वाले परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी है जेन जतेक भी देवता रहे देवन आकाश मार्ग ले विनती कर कुरा के अपन अपन धाम में पहुंच गए फूल उल वर्षा करके है ना। तो हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान काखर हित के लिए जो प्रकट हुए थे आओ छोटे से भजन के माध्यम से आगे प्रसंग कथा ला ले चलो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।
श्यावर राम चल की मानस के प्रेमगण आले चलतन एक छोटी सी भजन जे मा अभी अयोध्या नगर में सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्थापना हो है ओकर उपलक्ष्य में सी एक छोटे से भजन श्यावरी राम चंद्र की राम के देश में रहने वालों राम के देश में रहने वालों राम को कर या चुकाना है राम के देश में रहने वालों राम के कर या चुकाना है राम के देश में रहने वालों राम को कर या चुकाना है राम के देश में रहने वालों राम के कर या चुकाना है Thank you.
जगनिवास जगतपति जो भगवान है तेन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है ना। तो दीन दयाल जौन भगवान है, कृपालु जो भगवान है, तेन प्रगट हुए। और कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्म धरे हुए, माता कौशल्या के हित के लिए जो वहां प्रकट हुए। अब माता कौशल्या के हित के लिए प्रकट हुए ते समय राजा दशरथ है, माता कौशल्या है, ओमनकारी से जे समय भगवान से वो बर मांगे से काबर राजा दशरथ मनोरी से माता कौशल्या है शत्रुवारी से ते समय ना जौन बर मांगे से
कि तोरे जैसे जल पुत्र मिले तो वही जौन अखिल लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है देन है माता कौशल्या के हित के लिए प्रकट हुए कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी माता कौशल्या के लिए परम पिता परमेश्वर जो जन्म लिए है ओखर जो रूपला शंख चक्र पदा मा धरे हुए जब प्रकट है तब मातल बड़ा हर्ष होतो काबर अच्छा उखर जो विराट रूपला देखा थे तो माता कौशल्या की जो मन है बड़ा हर्षित होते हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी माता कौशल्या राय तीन उखर रूप अद्भुत रूपला देख करके विचार करी सोचने लगी और सोच करके अपन मन में कि भगवान जो उखर सामने वे शंख चक्र गदा पद्म धरे हुए प्रकट है तब माता कौशल्या विचार करने लगी सोचने लगी सोच करके लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुत भूत चारी भगवान है तेना ऐसे प्रकट हुए लोचन अभिरामा नेत्र है तेन सुंदर बड़े बड़े है तन है तेन सुंदर सावला शरीर वाले और भगवान है तेना वह जो लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुत बुद्धचारी चार भुजा वाले भगवान है तेन विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए जब प्रकट हुए तो माता कौशल्या विचार करते सोचने लगते है और भगवान है तेन वहां शंख चक्र गदा पद्म धरे हुए वहां कहो पांच फीट प्रकट है तो माता हेला इसे विचार करी सोचे लगे कि ओखर जौन शोभा ला ओखर सुंदरता ला देख करके भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे ओखर जौन भूषण है ओखर जो पोशाक है जेना सुंदर तुलसी के जो माला पहने हुए नयन है तीन बड़ा विकराल है भुजा बड़े बड़े मतलब चार भुजा वहां प्रकट हुए हैं है तो ओखर शोभा है तेन भारी है काबर खर आने जो ऐसे ओखरो मन के कई रूप रीत है ना दुष्ट मन के कई रूप रीत है लेकिन ये खरारी है जगत ला तारने वाले पंतारी ते जौन भंजन है तेन जग निवास भगवान है माता कौशल्या के जो प्रगट है जेला देख करके माता कौशल्या विचार करते आओ आगे जो छंद में छोटे भजन के माध्यम से प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की श्यावली राम चंद्र की तामे के लो तामे पानी धर के से शंकर धोवा चार बेल पतला चढ़ा के अपन आशे से पालोगा श्यावर राम चंद्र की जय भोलेनाथ के युग पैया मात भोलेनाथ के युग पैया मात राम कथा मानस गंगा मा आके नहा लगा
होगा। भोले नाथ के होगे भैया में माथ नवाला गंगा में बोली श्यावर रामचंद्र की जय।